युद्ध समाप्त हो चुका था, अफजल खान मारा जा चुका था। धोखे और फरेब का बादशाह अफजल खान खुद शिवाजी के चंगुल में फंस गया और उसकी जान चली गई। आज से लगभग 500 साल पहले भारत के संपूर्ण हिस्से पर इस्लामी और अरबिक राजाओं के कब्जे हो चुके थे। भारतवर्ष के अधिकतर राजा या मंत्री या तो फिर जंगलों में थे या फिर मर चुके थे। कुछ राजा तो अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए दर दर ठोकरे खा रहे थे और अपने परिवार के साथ पूरे परिवार के साथ जंगलों में भटक रहे थे। एक तरफ अरबी राजाओं ने भारत पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन इस बृहद और विशाल भारत पर कब्जे के पश्चात भी राज्य के साथ साथ शासन और सत्ता चलाना इतना आसान नहीं था। ऊपर से विद्रोह की ज्वाला रुक रुक कर जो चिंगारी धधक धधक कर आग में भी बढ़ जा रही थी, जिससे शासन सत्ता करना बहुत दूभर हो रहा था। इसलिए इस पूरे भारतवर्ष पर सत्ता को संभालने के लिए उस समय के अरबी राजाओं ने सुदूर बैठकर भी इस सत्ता को आसानी से कैसे चलाएं, इसलिए उन्होंने पूरे भारतवर्ष की सत्ता को 3 भागों में विभक्त कर दिया था। एक थी दिल्ली की सल्तनत, दूसरी दक्खन की सल्तनत और तीसरी कर्नाटक बीजापुर की सल्तनत, जिसको बाकायदा दिल्ली में शाहजहां को, दक्खन में कुतुब शाह को और बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत को बना दिया गया था। हिंदुओं का घर भारत और अपने ही घर में कैद हिंदू, जिन पर मुस्लिम और अरबी राजाओं के शासक हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर भारत में सत्ता को आसानी से चलाया जा सके इसलिए बड़े पदों पर लगभग सेनापति और मंत्री के पदों पर हिंदुओं को ही नियुक्त कर रखा था, ताकि भारत की सत्ता को आसानी से संभाला जा सके। बड़ा ही अजब समय था। अपने ही घर में कैद हिंदू विदेशी अरबी राजाओं की सत्ता में घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर थे। सबसे अजीब बात तो तब होती थी जब इस्लामिक यातनाओं वाले नियम कानूनों को हिंदुओं पर थोपा जाता था और उसकी घोषणा करने वाला सेनापति या मंत्री स्वयं हिंदू होता था। यह एक बड़ी ही बीभत्स चाल थी जो इस्लामिक राजाओं ने हिंदुओं में फूट डालने के लिए बहुत ही आसान एक विधि को अपना रखा था, जिसमें आदेशकर्ता अधिकतर हिंदू ही होता था। ये एक विडंबना ही थी जो लगातार भारतीयों की फूट और दुराव को लगातार बढ़ाती जा रही थी। ये भारत भूमि अपने सीने में, ये मातृभूमि अपने सीने में ऐसे बीजों को रखती है, जब समय आने पर उसको अंकुरित अवश्य कर देती है। ऐसा लगता था कि ये भूमि भी सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी, जब 19 फरवरी 1630 को इस देश में एक ऐसा अंकुर उपजा जो बाद में इस्लामिक राजा और अरबी शासकों पर स्वयं काल का गाल बनकर टूट पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, आज हम वीर शिवाजी और अफजल खान के बीच के युद्ध के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर अवश्य करिएगा। जब जब इस पृथ्वी पर असुर जन्म लेते हैं, तब तब इस राष्ट्र की रक्षा में ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में इस राष्ट्र हित की रक्षा हेतु स्वयं यहाँ आ जाते हैं। इसी क्रम में 19 फरवरी 1630 को शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का बचपन में नाम शिवा रखा। कोई नहीं जानता था कि यही शिवा आगे चलकर छत्रपति महाराज शिवाजी भोसले कहा जाएगा, जिसको दुनिया शिवाजी महाराज के नाम से जानेगी। कोई नहीं जानता था कि यही छोटा शिवा आगे चलकर ना सिर्फ इस्लामिक राज्य के ईंट से ईंट बजा देगा, बल्कि 50 से अधिक दुर्ग और किलों पर हमला करके उन्हें हथिया भी लेगा। बचपन में शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले आदिल शाही सल्तनत के सेनापति थे। ये वहाँ पर जब काम करते थे तो जब शिवाजी इनके साथ जाते थे तो वहाँ वो देखते थे, वो ये भी देखते थे कि किस प्रकार बड़े से बड़े पद पर आसीन हिंदुस्तानी जब कोई छोटी गलती करता है तो उनको किस प्रकार इस छोटी सी गलती का बड़ा दंड, जैसे मूछों का मुंडवाना, सर का छिलवाना
या भरे समाज में बेइज्जत करना, इस प्रकार की प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। और यही बात शिवाजी महाराज को अंदर ही अंदर बचपन से कचोट रही थी। और जब भी वो अपनी बात अपनी माँ जीजाबाई से कहते थे तो वो उनको पूरी बात स्वराज्य की स्थापना से लेकर की पूरी घटना उनको हमेशा से समझाती रहती थी। और स्वराज्य का जो परिभाषा है वो जीजाबाई उनको सिखाती रहती थी। साथ ही साथ जीजाबाई उनको बहादुरी की भी बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी। बेहद कम उम्र में ही शिवाजी ने कुंभलगढ़ किले पर आक्रमण करके उसे इस्लामिक सत्ता से मुक्त कराकर स्वराज्य की घोषणा कर दी। ऐसे में आदिलशाही सल्तनत पहले तो सिर्फ ये पता करने में लग गई कि शिवाजी कौन है। उसके पश्चात जैसे ही उनको पता चलता कि शिवाजी कौन है, तब तक शिवाजी ने दूसरा हमला करके टोंडाना को भी हथिया लिया था। आनन फानन में आदिलशाही सल्तनत की सबसे बड़ी बेगम ने अपने पूरे सरदारों की एक सभा बुलाई और वहां पर इस चर्चा को व्यक्त किया। उस सभा में अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए 10,000 सैनिकों के को लेकर रवाना होने का आदेश मिला और साथ में ही शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को गिरफ्तार कर लिया गया। अफजल खान उस जमाने में एक ऐसा योद्धा था जिसने जब जब युद्ध किया था विपक्षी की मृत्यु निश्चित मानी जाती थी। काल और मृत्यु का रूप दूसरा नाम भी अफजल खान का था। बड़ी बेगम का आदेश पाकर अफजल खान एक भारी भरकम सेना लेकर शिवाजी को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आखिर शिवाजी मिलेंगे कहाँ। कहते हैं जब ताना बाना स्वयं ईश्वर बुन रहा हो तो इंसान की सोच बौनी हो जाती है। शिवाजी समझ चुके थे कि इस समय ये युद्ध इतना आसानी से नहीं जीता जा सकता, क्योंकि उस समय युद्ध जीतने के लिए तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं की आवश्यकता होती थी। वो तीन बिंदु ये थे। पहला कि वो स्थान जहाँ पर युद्ध लड़ा जाना है वो स्थान दिल्ली सल्तनत से काफ़ी दूर होनी चाहिए ताकि दिल्ली सल्तनत की सेना युद्ध में किसी भी प्रकार की मदद ना कर सके। दूसरा बिंदु ये होना चाहिए कि जहाँ पर युद्ध लड़ा जाए वो भूमि अनुपजाऊ होनी चाहिए ताकि नुकसान कम से कम हो, क्योंकि नुकसान हम हिंदुस्तानियों का ही होना था। तीसरा बिंदु ये था कि वो स्थान जहाँ युद्ध लड़ा जाए वो स्थान जंगली होना चाहिए ताकि बड़े ही आसानी से शिवाजी उसमें छापेमारी युद्ध को लड़ सकें। अफजल खान शिवाजी को ढूंढते ढूंढते जंगल जंगल भटकने लगा और बहुत ही परेशान हो गया। ऐसे में उसको एक युक्ति समझ में आई। उसको पता था कि यदि मैं मंदिरों पर हमला करूंगा, यदि मैं आम जनमानस पर हमला करूंगा तो शिवाजी जरूर निकलकर बाहर आ जाएंगे। इतना सब कुछ देखने के बाद भी शिवाजी को ये पता था कि इस समय अफजल खान से युद्ध करना सही समय नहीं है, इसलिए वो सही समय की प्रतीक्षा करने लगे। अफजल खान धीरे धीरे जंगलों में बढ़ने लगा और शिवाजी बार बार अपने स्थान को बदल रहे थे। अब अगली चाल शिवाजी ने चली। उन्होंने अपने वकील से ये संदेशा भिजवाया कि शिवाजी को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, वो सल्तनत के साथ मिलकर उसके सामने अपने गलतियों की क्षमा मांगने चाहते हैं और आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। और अफजल खान को एक शर्त भी बताई कि यदि वो शिवाजी का आत्मसमर्पण चाहते हैं तो ऐसे में अफजल खान को सिर्फ अकेले आना होगा, वो अपने साथ सिर्फ 10 अंगरक्षक लेकर आ सकता है और ये शर्त शिवाजी पर भी लागू होगी। लेकिन शिवाजी ने इस शर्त के साथ साथ ये भी बताया कि मिलने का स्थान स्वयं शिवाजी तय करेंगे। ये संदेश सुनकर अफजल खान की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसको लगता था कि उसके भारी विकराल स्वरूप के सामने शिवाजी बहुत बौना साबित होगा, क्योंकि धोखे और फरेब में अफजल खान का उस जमाने में कोई सानी नहीं था। उसको लगा कि अब जल्द ही वो शिवाजी को मिलकर उनकी हत्या अवश्य कर देगा। लेकिन अफजल खान को इस बार ये बात पता नहीं थी कि वो शिवाजी की चाल में फंस चुका है। आखिर 1646 को प्रतापगढ़ के किले के नीचे, किले के ठीक नीचे सुलह का सामियाना लगाया गया। अफजल खान शर्त के मुताबिक 10 अंगरक्षक लेकर आया और शिवाजी भी अपने 10 अंगरक्षकों के साथ उस सामियाने में अफजल खान से मुलाकात करने के लिए आए। सामियाने में प्रवेश करते ही लंबे चौड़े और विकराल स्वरूप वाले अफजल खान ने शिवाजी को आगे बढ़कर गले लगाया। लेकिन ये क्या, अफजल खान ने जैसे ही शिवाजी को गले लगाया उनको जकड़ कर उन पर हमला कर दिया।
गठी में कट के शिवाजी अफजल खान के चंगुल में फंस चुके थे, लेकिन उसी वक्त उन्होंने अफजल खान के सीने पर हमला किया। पासा पलट चुका था। अफजल खान के सीने में 3 छेद हो चुके थे, जहां से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी। असल में शिवाजी को धोखे और फरेब का पता चल चुका था। उनको इस बात का अंदेशा था कि अफजल खान यही करेगा, इसलिए उन्होंने अपने हाथों में एक बघनखा, जो उस समय का एक शस्त्र था, छुपा रखा था। जैसे ही अफजल खान ने उनको पकड़ा, शिवाजी ने अपने बघनखे से अफजल खान के पेट को फाड़ डाला और अफजल खान वहीं तड़प कर गिर पड़ा। जैसे ही वो गिरा, उसके एक अंगरक्षक ने शिवाजी पर हमला किया और उनकी गर्दन को काटने का प्रयास किया, लेकिन उसी वक्त शिवाजी के एक साथी जीवा ने उस अंगरक्षक की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था। अफजल खान मारा जा चुका था। धोखे और फरेब का बादशाह अफजल खान खुद शिवाजी के चंगुल में फंस गया और उसकी जान चली गई। इतिहास के पन्नों में ये मल्लयुद्ध दर्ज है। इसी के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।